नमस्ते आदाब जी, क्या हाल चाल है? जी। बढ़िया। मेरा एक सवाल था। आज के टाइम पे अगर कोई ऐसा आता है और वो सच कहता है कि सच में उसको जिब्राइल की ओर से मैसेज आ रहे हैं और वो कुछ कहना चाहता है, तो हम उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? आज की तारीख में क्या आप इस तरह का दावा करने के लिए तैयार हैं? नहीं, कोई भी अगर करता है तो उसके क्या पैमाने हो सकते हैं कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? उसकी वजह यह है कि उसकी वेरिफिकेशन का ना ही के कोई तरीका है, और न ही हम उसको कभी वेरीफाई करने की कोशिश भी करेंगे। क्यों? तो मोहम्मद साहब उसकी कैसे वेरीफाई हुए थे? वजह, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन, मैं बता रहा हूं, मुझे बता रहा हूं, मैं मुझे मालूम था कि आगे क्या आने वाला है, मैं उसको बता रहा हूं। अगर यह होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी रसूल के ताल्लुक से ये बात होती कि ये आखिरी रसूल हैं और इनके बाद कोई रसूल नहीं आएगा, और फिर कोई आके और वो वाकई रसूल होता, यानी जिसके बारे में आखिरी रसूल कहा जा रहा है वो वाकई रसूल होता, मसलन हजरत मूसा कह देते, हजरत ईसा कह देते, भाई मेरे बाद कोई रसूल आएगा नहीं, बस मैं ही आखिरी रसूल हूं। अब कोई भी अगर ये दावा करता तो दावा उसको दावे को कबूल करना नामुमकिन हो जाता बाद में, हजरत ईसा के बाद। लेकिन हो क्या रहा है कि हजरत नूह से लेकर हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, ईसा, सारे अंबिया वो ये कह रहे हैं भाई आगे एक नबी आने वाला है, आगे एक नबी आने वाला है। हजरत ईसा कहने लगे मेरे बाद एक नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद होगा, मोहम्मद और अहमद एक ही जात के नाम है। अब वो फाइनली फाइनल प्रॉफिट आ गया और वो ये कह रहा मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। जब उसने ये बात कह दी कि मेरे बाद ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, तो आज अगर कोई उठकर ये कहेगा कि मेरे पास जिब्रील आता है और मैं नबी हूं, तो उसको मेंटल असाइलम भेजा जाएगा। ठीक है, बस ये उसका इलाज या बोलेगा मिठल लाल आता है। जी है। अच्छा, इन्होंने जितने लोगों ने कहा था कि एक आखिरी नबी आने वाला है, उनके कोई रेफरेंस दे सकते हैं मुझे कहाँ जी कहाँ हाँ गया जी था? भाई, आसिम भाई जरा सा 1 मिनट आप बात करें, 1 मिनट जरा सा क्विकली। जी जी हुमन साहब, क्या क्या सवाल है आपका? जिन्होंने भी रेफरेंस दिए गए थे कि आखिरी नबी आने वाले हैं, ये किन्होंने कहा था और कौन से रेफरेंस में कहा था, ये थोड़ी मुझे बता दीजिए, मैं नोट कर ये लेता। जो आखिरी नबी आने वाले हैं, ये दुनिया के अक्सर यानी कि जो ज्यादातर जो सिविलाइजेशंस है उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है। उनसे इवन मुझे देखे ना जो रेफरेंस वैदिक, चाहिए था हाँ मैं सर, बता रहा हूँ आपको ना, रेफरेंस। जो फॉर एग्जाम्पल समझे कि जो जूश कम्युनिटी है वहां भी ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वहां भी ये, आप किसी भी क्रिश्चियन से वेरीफाई कर लेंगे कि उनका जो सर है सर वो सर मैं वही तो बोल रहा हूँ, कौन से इसमें, कौन से गॉस्पेल में लिखा है, कौन से तोरा में लिखा है, मुझे नंबर दे दीजिए, मैं थोड़ा वेरीफाई करना चाहता हूँ उससे। आपको जॉन जीरो चैप्टर वन में ग्रेविटी चले आती जाएं, है जॉन चैप्टर वन में चले जाएं, उसकी वर्स पढ़ लीजिए 17, 18, 19, वहां आपको पता चल जाएगा आने वाले नबी के जॉन बारे में है। ओल्ड टेस्टमेंट ठीक डिटर्नी 18, 18 में चले जाएं, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, है उमर भाई, प्राइवेट चैट रेफरेंस में मिल मैंने गया, वीडियो जाकर भी चेक भेज कर दिया लीजिए। है, उसको भी ठीक देख लें, वो उसमें एक ठीक अलग वैसे रेफरेंस। आप ह्यूमन साहब, आप हैं क्या? आप किस चीज में यकीन रखते हैं? सॉरी मैं मिस हो गया था, रेफरेंस दे दिया आपने इनको जी, इनको रेफरेंस मिल गया किधर जी से? ह्यूमन भाई, इनको जॉन डिटरनॉमी के मिल गया टाइम और ओल्ड जॉन से मिल टेस्टमेंट गया। में, नहीं हमें और डिटरनॉमी, हमें तो नहीं कुरान से देना है ना। नहीं ये बोल रहे थे दूसरी जगह पे, कहाँ पे लिखा है दूसरी नहीं जगह? अजीब ये कह रहे थे, जिब्रील, यानी हवाला जिब्रील का और रेफरेंस चाहिए रामायण से। नहीं, ये कह रहे थे कि जो आखिरी प्रॉफिट आने वाले थे उसका रेफरेंस बताओ। मैं समझ गया हूँ, पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा कि आज की तारीख में कोई ये कि मेरे पास जिब्रील आ रहे हैं, तो जिब्रील का तذکرہ तो कुरान ने किया ना, ठीक है दूसरी किताबों में भी है, लेकिन ये नहीं, उनके डिस्कोर्स, पहले भी है, आई जिब्रेल के अंडरस्टैंड, नाम आई से जो अंडरस्टैंड, पहले भी है, गैब्रियल लेकिन भी वही थे। का आना, वही का आना जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए एक रसूल के ऊपर, ये प्योर इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, मौजूदा क्रिश्चियन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो आप जब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एतराज करेंगे तो उसका जो रेफरेंस होगा ना वो भी हम इस्लामिक पैराडाइम से देंगे। इसके बावजूद अगर आपको डिट्रोनॉमी या कहीं और से रेफरेंस मिल रहा है, तो हमने एहसान कर दिया आपके ऊपर। चलें अब आगे बोलें। जी नहीं देखिए, आप अच्छा इस्लामिक मोहसेब, लॉजिक इनसे अगर, पूछ रहे थे कि ये क्या है, ये ह्यूमन साहब क्या है ये? जी भाई नहीं ह्यूमन मैं बस एक ह्यूमन हूँ, भले ही मैं नहीं पैदा ह्यूमन। किसी अच्छा रिली, चलो अरे ठीक यार ठीक ठीक देखिए, ह्यूमन मैं साहब, आप किसी थोड़ा ह्यूमन को रिली, डिफाइन करें, आप कह रहे हैं ना मैं बस एक ह्यूमन हूं, आप ह्यूमन को डिफाइन करें। हाँ ठीक है, अगर मैं पैदा किसी रिलीजन में, किसी इस मजहब में या फिर किसी इसमें हुआ भी हूँ, मैं वो नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आप ह्यूमन को डिफाइन करें। जब आप अपने आप को आप कहते हैं ना मैं ह्यूमन हूं, तो इस वर्ड ह्यूमन से आप क्या समझते हैं वो समझाएं हमें।
ह्यूमन है ना, एक इंसान, तो ट्रांसलेशन हो गया, इंसान से क्या समझते हैं वो समझाएं थोड़ा। इंसान एक जानवर है जो थोड़ा जाने सा जाने, तो सोचने मतलब समझने की क्षमता ज्यादा हम रखता है बंदर को दूसरे भी इंसान जानवरों कह से। सकते हैं, जी हम बंदर को भी इंसान मतलब कह सकते हैं, वो भी एक जानवर है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एनिमल, इट्स अ स्पीशीज एक तरह से, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस ज्यादा है, उसका सोचने समझने की कैपेसिटी ज्यादा है, उसके इमोशंस ज्यादा है तो एज आप कम्पेयर टू इंडियन अस। नहीं है, जी आप इंडियन नहीं है, मैं इंडियन ही हूँ, नहीं अभी तो आपने कहा आप ह्यूमन है। वेट, मैंने कुछ ह्यूमन और सुना इंडियन नहीं हो क्या? सकता क्या? हाँ अच्छा, इसका मतलब ये कि ह्यूमन के साथ आपका तारुफ इंडियन भी है। ओके फाइन, ठीक है, तो नहीं, सही है, मैं इंडियन समझ एक, गया समझ गया, बिल्कुल हो सकता है। हाँ अच्छा ये बताएं कि कोई बिरादरी बिरादरी भी होगी, ब्राह्मण क्षत्रिय कहीं से भी होंगे ना, कुछ तो होगा, मैं फिर बता रहा हूं, मैं इन चीजों को नहीं मानता हूं। वो भी आपका तारुफ होगा, वो भी आपका तारुफ होगा। अच्छा चलें सही है। अच्छा कोई आपकी पॉलिटिकल एसोसिएशन भी होगी, आप बीजेपी के होंगे, कांग्रेस के होंगे, बीएसपी एसपी कुछ होंगे, वो भी एक आपका एक एडिशनल तारुफ हो गया, किसी को आपने वोट दिया होगा, डेमोक्रेसी में आप बिलीव करते होंगे, ये सारी चीजें हैं ना, ये जी सारे के सारे आपके ये एडिशनल आपका तारुफ है, आपका समझ लीजिए रिकग्निशन है, या आपकी आइडेंटिटी आइडेंटिटी है, तो ये सारी के सारी चीजें हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्योर ह्यूमन है। मैंने जैसे ही आपसे पूछा कि नहीं नहीं मैं इंडियन भी हूं, तो जी हाँ, लेकिन जब आप ये सारी चीजें हैं, अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आप हिंदू हैं कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, नहीं मैं तो ह्यूमन हूं, क्यों? नहीं, सुनिए सुनिए, अब मुझे थोड़ा सा बोलने दीजिए। अगर आपने बोला कि मेरी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, इनके इनके ह्यूमन के डेफिनेशन पे मैं बात कर रहा था। तो ह्यूमन साहब, आपने कहा कि आपके पास कॉन्शियसनेस और रेशनैलिटी है जिसकी वजह से आप ह्यूमन है, तो वो इंसान जो के जो पागल होता है, जिसकी रेशनैलिटी काम नहीं करती, वो ह्यूमन नहीं है। मैं मेरी पहले पहली वाली बात पूरी कर लेता हूँ। आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना, सबसे बड़ा जो घपला हुआ है ना वो ह्यूमन के डिफिनेशन में ही हुआ, इसलिए आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। नहीं, जितने भी सुनिए, ये ह्यूमनिस्ट लोगों का दिमाग खराब हुआ है वो ह्यूमन के डिफिनेशन की वजह से हुआ है, अरे इसलिए आपका डिफिनेशन दुरुस्त करना जरूरी है। मेरी बात आप सुन बताएं लीजिए। कि अगर वो इंसान आपने जो अभी कि बोला था कि आपकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी होगी, आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होगी, मेरी एक अभी आ रहे हैं, उस पे भी आ पॉलिटिकल रहे हैं, आइडेंटिटी इस पे इस भी आ तरह रहे से हैं है। जीवन देखिए, साहब, उस पे भी आ रहे हैं। और अगर आपके आपके ह्यूमन के डिफिनेशन को हम चेक करें ना, आपने कहा रेशनैलिटी है, वो तो जो सेकेंडरी इंसान आते हैं पागल ना, हो आते जाता इस है पे उसकी आते हैं। लेट रेशनैलिटी खत्म हो मी, जाती है, क्या वो ह्यूमन यार नहीं है? मुझे नहीं मेरी चलें, पहली ऐसा बात है, क्यों उसी नहीं तरतीब सुन, से चलें, बात तो सही है कि पहले ह्यूमन की डेफिनेशन हो जाए। तो आपसे जो सवाल किया गया कि एक आदमी जिसको हम पागल मानते हैं, तो क्या वो ह्यूमन नहीं है, कॉन्शियसनेस उसका सही काम नहीं कर रहा है? जी ह्यूमन उस भाई, पर नहीं भी मैं उस पर भी आ रहा हूं, उसी पर आ और जाए, जिस, वहीं पर आ हाँ, जाए, वहीं से शुरू करें। जी उसका ब्रेन का सिस्टम प्रॉपर काम नहीं करता है, उसके जितने जी जो भी होगा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसके जो सेंटर्स होंगे, न्यूरॉन्स होंगे, उसको काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए उसके सोचने समझने की तो कैपेसिटी उसके नहीं होगी। इसलिए तो कह रहा हूँ, तो वो आपके ह्यूमन के डिफिनेशन से तो निकल गए, क्योंकि आपके यहाँ ह्यूमन का डिफिनेशन है कि वो रेशनल होना चाहिए, जो कि एरिस्टोटल और डेकार्ट वगैरह का है, एज अ तो वो बॉडी तो ह्यूमन के इज डिफिनेशन ह्यूमन, से निकल गया ये बाहर। भी तो हो सकता है ना कि वो आदमी एज अ बंदरों की तरह बॉडी, हरकत कर रहा हो, तो जब आपने मैं क्या बंदर की बोल रहा मिसाल दी है, तो अगर आप उसको बंदर की कैटेगरी में डाल दें, आप क्यों इंसान मान रहे हैं? हूं, एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा, पर एज अ माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा, क्योंकि वो मतलब कि वो काम कर सेमी रहा, ह्यूमन होगा, मतलब वो सेमी ह्यूमन होगा। एज अ ठीक बॉडी ठीक ही ठीक इज अ ह्यूमन, बट एज अ माइंड ही इज नॉट ह्यूमन। अब सेकेंडरी जो आपने बात बोली कि मेरी पॉलिटिकल, एक मिनट होल्ड, आप भी सेकंड इतना जल्दी जंप ना करें। आपने कहा कि एज अ बॉडी वो ह्यूमन होगा और एज ए माइंड वो ह्यूमन नहीं होगा। अच्छा ये जो होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस थे, इनकी बॉडी जो है वो होमो सेपियन से बहुत मिलती थी, तो आप इनको ह्यूमन मानते हैं? डेवलपिंग ह्यूमन बोल सकते हैं आप उनको। नहीं अभी आपने कहा वो ह्यूमन, तो आप इसका मतलब पागल को डेवलपिंग ह्यूमन मान रहे हैं? वो बोला, वो पागल बोले तो उसका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, माइंड माइंड का सिस्टम काम नहीं नहीं कर रहा आपने है, एज अ कहा ना कि बॉडी नहीं। बाई बॉडी ह्यूमन है, जो कि बॉडी सिमिलर है, तो ऐसे ही होमो इरेक्टस होमो से उसकी हैबिलिस की बॉडी जो है वो होमोसेपियन से सिमिलर है, नियंडरथल्स होमो से सेपियन से हाँ, सिमिलर है, तो क्या आप उसको पर ह्यूमन मान रहे हैं? डेवलपिंग का क्या उनकी मतलब होता है? इंटेलेक्ट, उनका ये आपने नई टर्मिनोलॉजी निकाली है, इंटेलेक्चुअल डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि बात बॉडी की हो रही है, उनके बात बॉडी की हो रही है, इमोशंस, इंटेलेक्चुअलिज्म की नहीं हो रही है। आपने कहा कि बाई बॉडी ये ह्यूमन है, तो क्या आप होमो हैबिलिस को ह्यूमन मानते हैं?
और इसी तरह मुफ्ती साहब, मान ले कि किसी आदमी का दोनों पैर कट गया, दोनों हाथ कट गया, तो क्या उसको वो बॉडली ह्यूमन नहीं मानते? है, वो भी ह्यूमन है, हाफ ह्यूमन। कैसे भाई, आप तो भी उसका तो हाथ पैर ही नहीं। सही बात है, एक मसलन हाथ पैर नहीं, मसलन हाथ पैर नहीं जो है वो खुद काम कर रहा है, ना उसके हाथ है ना उसके पैर है, ठीक है, उसके हाथ भी नहीं है पैर भी नहीं है, और समझो नाक वाक भी कट गई, कानवान भी कट गया, बस दिमाग है उसके पास, नहीं है ना, दिल है दिमाग है जिसकी वजह से वो जिंदा है। अब आप उसको ह्यूमन मानेंगे या नहीं मानेंगे? दिमाग जब तक वो लाइव है तब तक ह्यूमन मानेंगे। तो अब मेंटल आपको कहना भाई दिमागी एतबार से, मेंटल एतबार से ह्यूमन है, फिजिकली ह्यूमन नहीं है आपके, ये वही फॉर्मूला अप्लाई करें। उसकी बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन के, अगर कोई पागल इंसान है पर माइंड से वो ह्यूमन नहीं रहा है। ये वाला जो बंदा है जिसके नाम हम दे रहे हैं, ये माइंड के एतबार से ह्यूमन है, बॉडीली कैरेक्टरिस्टिक इसके ह्यूमन वाले नहीं है, तो क्या आप ये कहने के लिए तैयार हैं? मुसब एक और बात है ना यार, बहुत गोल गोल घुमाना आता है, जो इंसान है जो मेंटल है, ह्यूमन सब, अगर कोई इंसान मेंटल है बस तो पॉइंट से हटाना है किसी को तो गोल गोल घुमा दो आप। सबसे बड़ा जो करप्शन किया है ना इन मॉडर्निस्ट लोगों ने, ये ह्यूमन के डिफिनेशन में ही किया है। आ जाएंगे लोग, मैं ह्यूमनिस्ट हूँ, मैं ह्यूमनिज्म हूँ, ह्यूमन की डिफिनेशन ही नहीं पता और ह्यूमनिस्ट बन जाते हैं भाई। ये कह रहे हैं यार आप घुमा रहे हो, देखो मेरे भाई, मेरे ह्यूमन भाई, प्यारे प्यारे ह्यूमन भाई, होता क्या है कि इसको घुमाना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फॉर्मूला सेट करना, रियलिटी चेक। और जो आप जो दिख रहा है हमें वो ये कि आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मेरे मुंह से गलत लफ्ज, आप अगर ये कह रहे थे ना कि यार मैंने गलत कहा, ह्यूमन बस मैंने वैसे ही नाम रख दिया, तो हम आगे बढ़ते। आपने ह्यूमन को एज एन आइडियोलॉजी पेश कर दिया। ऐसे बोलते तो मैं पहले ही बोल देता, ह्यूमन ने जस्ट नाम रखा है, मैंने कुछ होश नहीं है उसमें। तो आपने इंकार क्यों किया कि मैं तो बस ह्यूमन हूं, मैं कुछ हूं नहीं, आपने क्यों इंकार किया? आप मेरी आइडेंटिटी जो जानना चाहते थे ना, जिस बेस पे आप मेरा एक प्रेडिक्शन बनाना चाहते थे, आइडेंटिटी नहीं, हम आपकी आइडियोलॉजी जानना चाहते थे। आपने कहा नहीं मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं, मैं तो ह्यूमन हूं, तो अब आपकी ह्यूमन आइडियोलॉजी है, लिहाजा अब ह्यूमनिज्म के ऊपर बात होगी। अब उसको एक मिनट बोलने, पर से हजरत इंसानों को जानवर भी बना दिया। सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे एक मिनट बोलने दीजिए अभी। आपने जैसे मुझे पूछा कि आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है, रिलीजियस आइडेंटिटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, कैसा है, मैं पॉलिटिकली भी आइडेंटिटी अगर फिलहाल रखता हूँ तो मैं सोच समझ के उसको रखता हूँ। मेरे लिए मोदी अच्छा भी है, मोदी लिए गंदा भी है, उसके अच्छे काम भी है, उसके बुरे काम भी है। बात देखें, आपने कहा ना कि यार आप बात घुमा रहे हो, अपनी आइडियोलॉजी बताया तो जाहिर बात है उसकी सर्जरी तो होगी। अब आप उसको बात घुमाना कहें या कुछ भी कहें, आप ये कहते हैं कि यार मेरी आइडियोलॉजी ना वो ये है कि मैं सनातनी हूँ या मैं मसलन व्हाटएवर जैनी हूँ, कुछ भी हूँ, आप ये कहते तो हम इतनी बात आ गई ना बढ़ती। आप कहते ह्यूमन तो मैंने वैसे ही नाम रख लिया, तो मैं आप अपनी गलती मान लेते हैं। सुनिए ना, अब एक मुझे एक बार थोड़ा बोलने का मौका दीजिए। अगर मैं बोलता कि मैं सनातनी हूँ तो मैं फिर बोलता कि मैं जितने भी भगवान है, राम कृष्ण इन सबको मानता, लेकिन मैं वैसा भी नहीं हूँ, मैं उनको भगवान मानता भी हूँ नहीं भी मानता हूँ। कुछ चीजों अच्छा। में मुझे ठीक लगता है, कुछ चीजों में ठीक नहीं लगता है। मुझे जो ठीक है मैं उसको बोलता हूँ क्लियरली, मैं किसी आइडियोलॉजी को पकड़ के उनके गलत चीजों को भी जस्टिफाई करने नहीं लग जाता हूँ। अच्छा, तो यानी जस्टिफाई, यानी जो आपका बनाने वाला है उसको जज आप करते हैं, करते रहते हैं। देखिए बनाने वाला जो कंसेप्ट बना के रखा है, ठीक है, इसके अलग अलग कंसेप्ट, मैं बनाने वाले के खिलाफ नहीं हूँ, पर बनाने वाले को जिस तरह से प्रेजेंट कर दिया गया है मैं इसके खिलाफ हूँ। चलो छोड़, आप ये बताएं कि बनाने वाले ने जो कंसेप्ट दिए हैं, जो भी कॉन्सेप्ट दिए हैं, आप उनको जज करने की सलाहियत रखते हैं? मेरे जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी बिल्कुल रखता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बनाने वाले को अपने जैसा समझ रहे हैं कि उसके अंदर एरर का मार्जिन है, और चूंकि उसके अंदर एरर का मार्जिन है और डिसाइड आप करेंगे कि उसने गलती की नहीं की। बनाने वाला अगर डू यू थिंक आपके अंदर ये एबिलिटी है? मैं क्या बता रहा हूं ना, मैं बनाने वाला अगर कोई इस तरह का है कि उसके भी कुछ नियम कानून है, उसके भी कुछ मापदंड है, उसका भी कोई निजाम है, उसका भी कुछ ये है, मेरे लिए बनाने वाला नहीं हो सकता। अच्छा, तो बनाने वाला बगैर किसी निजाम के होगा? जी। अच्छा, इसको प्रूफ कीजिए रैशनली। रैशनली ओके, अगर कोई निजाम चलाने वाला है, अगर कोई बादशाह है निजाम चलाने वाला, तो
तो वो डिसाइड करेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या चीज होने वाला है, क्या चीज नहीं होने वाला है, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा। लेकिन ऊपर वाले ने फुल फ्रीडम देके रखी है आपको, उसने सिर्फ आपको रैशनली इसको साबित करें कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता, इसको रैशनली प्रूफ करना है। कोई निजाम दिया नहीं है, इसे लोग निजाम बनाए हुए हैं। ये निजाम नहीं दिया एक अलग क्लेम है, आपका दावा ये है कि अच्छा, बनाने वाला निजाम कर दीजिए। चलिए नहीं, दावा आपका मैं क्यों प्रूफ करूं? अरे भैया दावा आपका है, मैं क्यों प्रूफ करूं? आपने दावा किया कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता, इसको साबित करना है। नहीं दिया इसको साबित नहीं करना है, नहीं दे सकता है इसको साबित। भाई साहब दिया कहा है वो बताइए मुझे, जो बताए सब किताबों पे लोगों की लिखी हुई बातें हैं। आपने किया ना, आप यहाँ दावा लेकर आए हो कि बनाने वाला निजाम नहीं दे सकता है, तो मुझे वो बताएं कि हाँ इसको साबित कीजिए। जी आपका दावा है, अब इसको साबित करें, प्रूव इट। उसने कुछ मेरा दावा नहीं है। हाँ नहीं, साबित किससे करूंगा, कोई किताबें या आप जज है ना, बताइए। महान पुरुष है, खाली ह्यूमन नहीं है, सुपर ह्यूमन है। आप चूंकि खुदा को जज कर सकते हैं, बनाने वाले को, आप ये कहते हैं कि खुदा ने अगर कोई काम किया होगा तो मैं तो जज करूंगा, मैं खुदा को मानता भी हूं नहीं भी मानता हूं। तो अब आप जरा ये बताएं कि खुदा निजाम नहीं दे सकता, इसको प्रूफ कीजिए। जी अपनी जो सुपर ह्यूमन फीचर्स हैं, जी उसको उसके जरिए जी क्यों बरा बताता हूं। खुदा ने जी अब सुन लीजिए, खुदा ने कोई भी निजाम दिया नहीं है, जितने भी निजाम दिए गए हैं। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं लेनी है, मुझे प्रूफ चाहिए, रैशनल प्रूफ कि वो नहीं दे सकता, इसलिए नहीं दे सकता। जी ऐसा है, कोई कोई रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता, आप प्रूफ दीजिए रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता करके। अरे भैया खोद के देख लो, नहीं आए, नहीं निकलेगा पानी। अब आप वही मुझे बोल रहे, आप जब बोलते हैं कि खुदा ने निजाम दिया है रेगिस्तान में, तो वो रेगिस्तान में किसी मिसाल को ले ले, रेगिस्तान में पानी नहीं आ सकता। ये वीक एग्जांपल है, ये मैं उसको ये नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा वीक एग्जांपल है, लेकिन जो निजाम दिए गए हैं वो खुदा की तरफ से आए, इसका भी कोई प्रूफ नहीं। जब एग्जांपल ही वीक है तो आप खुदा पर जज करने कहां को निकले? अरे बोला ना ये एग्जांपल वीक है, दूसरा देता हूँ, चलो दूसरी दे दो एग्जांपल। हाँ जितने भी निजाम दिए गए हैं ये सारे वीक है, ये सारे लोगों ने बनाए हुए निजाम है। ये तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वही अंडरस्टैंडिंग के जिसने अभी वीक एग्जांपल दी थी, ठीक है। अगर आपकी एग्जांपल वीक हो सकती है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी वीक हो सकती है कि नहीं, बोले यस और नो? नहीं। अच्छा एग्जांपल वीक हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं हो सकती, क्यों भाई? एग्जाम्पल वीक हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग वीक नहीं हो सकती। अच्छा ये जो एग्जाम्पल अभी आपने दी थी, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर दी थी या बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के दी थी? दिमाग में आया, एक दूसरा एग्जाम्पल देता, आम के पेड़ पे अगर कोई बोलता है, दिमाग में जो चीज आती है बोलते हैं। देखिए इतना मुझे समझ में आता, निजाम कोई देने वाला इतना फ्रीडम नहीं दे सकता किसी को। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये अभी दोबारा इधर उधर जंप ना करें, आप सिंपल ये बताइए कि अंडरस्टैंडिंग आपकी अगर हमेशा सही रहेगी तो एग्जांपल जो आपने दी वो उस अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर गलत कैसे हुई? माइंड में सड़न आया है, वो कुछ सोच समझ के दिया, माइंड में जो सड़न आता है ना उसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। और न सिर्फ ये कि सड़न आया बल्कि आपने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके बोल भी दिया, यही तो अंडरस्टैंडिंग है ना। माइंड में तो अरे माइंड में तो गुस्सा भी सड़न आता है, गुस्से में कोई सड़न गाली भी दे देता, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बाद में रियलाइज होता कि गुस्सा अरे यार इंस्टेंट हो गया करके, गलती हो गई करके, अनकॉन्शियस स्टेट में जाके ये हो जाता है वो, लेकिन सही, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं होती। चले ठीक है, आपको बास चीजों का एहसास जल्दी होता है, बास चीजों का एहसास देर में होता है। माइंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, उनका एहसास हमें बहुत देर में जाकर होता है कि यार हमने बहुत गलत डिसीजन लिया था यहाँ इन्वेस्ट करके। बराबर अंबानी की कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, बड़ा गलत डिसीजन लिया था, है ना? आपको एहसास होगा, हो सकता है कि 20 साल के बाद जाके, तो आप ये कहेंगे नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग तो मेरी बिल्कुल सही है। मैंने उसके हिसाब से डिसीजन लिया, बाद में जो सिचुएशन चेंज हो गए उस हिसाब से वो बोलूंगा। जो रीडिंग थी वो आपकी गलत थी कि आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया, ठीक है, आपने मसलन जो ये जो उसमें
क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन का जो प्रेडिक्शन था उसको देखकर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, 4 जून को रिजल्ट आया, शेयर मार्केट ढह गई, तो अब आपकी जो अंडरस्टैंडिंग वो गलत थी और उसका एहसास आपको 3-4 दिन के बाद जाकर हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, होल्ड ऑन, इसका मतलब ये हुआ कि सही हो सकती है, आप ये नहीं कह सकते। अच्छा चलो ठीक है, चलो हम गोल गोल नहीं घुमा रहे इस चीज को, लोगों का टाइम जाया होता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग हमेशा सही होगी, इसको रैशनली प्रूफ करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट टाइम के हिसाब से सही होगी, फ्यूचर मैंने देखा नहीं है, फ्यूचर के हिसाब से मेरी अंडरस्टैंडिंग चेंज भी हो सकती है भाई। ये तो फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग सही होगी तो मतलब ये है कि वो हमेशा सही है, उसमें गलती का इम्कान नहीं है, गलती तो आगे जाके पता चलेगी ना। ये नहीं तो बोला आज के हिसाब से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग ही सही है, इसको रैशनली प्रूफ करो। मेरी अंडरस्टैंडिंग ही सही है, इसको रैशनली कैसे प्रूव कर सकते हैं? अरे भाई कमाल है, आप जो भी दावा करेंगे उसका कोई ना कोई बेस होगा कि नहीं होगा? देखिए आज जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे, मेरी सोचने समझने के बेस पे, मेरी समझदारी के बेस पे, और आपका भी ये गलत नहीं हो सकती, ये गलत नहीं हो सकती है, इसको आप प्रूफ करें लॉजिकली। ये गलत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन मुझे जैसे लग रहा है ये जब ये अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है तो अभी आपने ये क्यों कहा कि मेरी मेरी एग्जांपल वीक है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकती, क्यों कहा अभी? देखिए एक गलत सही नहीं डिफरेंट हो सकती है, जैसे आप अगर अभी आपने बोला कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं हो सकती और अब आपने मान लिया कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत भी हो सकती है, तो आप भाई कहना क्या चाह रहे हैं? मेरे लिए गलत नहीं हो सकती, दूसरों के लिए गलत हो सकती है। अच्छा तो अब आप ये कह रहे हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए गलत नहीं हो सकती है, तो अब आप इसको रैशनली प्रूफ कर दें भाई, दूसरों के लिए भले गलत हो जाए। नहीं नहीं, अब आप इसी को रैशनली प्रूफ करें कि मुझे आपके लिए कभी गलत नहीं हो सकती है। जी यार आप ना घूमो तो साफ, मैं बता रहा हूँ क्लियरली, किसी को यानी रैशनली कोई कुछ प्रूव नहीं कर सकता। अगर मैं सोचता हूँ कोई चीज, अच्छा, मेरे अंडरस्टैंडिंग से सोचता हूँ, रैशनली कोई चीज प्रूव नहीं कर सकता, इसको रैशनली प्रूफ करें, हर दावे की दलील चाहिए। अरे अच्छा आप प्रूव कर दीजिए मैं गलत हूँ। नहीं मेरा तो कोई दावा ही नहीं है ना, दावे आप कर रहे हो एक के बाद एक, मैं तो लपेट से थक गया। वही तो ये फंसाने के साथ तरीके साहब आपके, मस्त घुमाते हैं लोगों को बातों में, बातों में वो जवाब नहीं दे पाते। इसको कहते हैं जेन्युइन डिस्कशन, कि जब आप बात करें किसी से, जब आप किसी से बात करें और कोई भी दावा दें, कोई भी दावा करें तो उसके पीछे दलील रेडी रहनी चाहिए। ये नहीं आके कुछ भी फेंक दिया, आके कुछ भी फेंकने की नहीं होती हमारे यहाँ तो जो लफ्ज जबान से निकलता है ना सामने वाले की, हम उसी पर बात करते हैं कि लफ्ज निकला क्यों। लेकिन इसको समझ लीजिए कोर्ट रूम है, समझ लीजिए कोर्ट रूम है, जज जो है वो कभी भी किसी वकील की बात को वैसे ही आने जाने नहीं देगा। आप जो भी लिख रहे हो और जो भी बोल रहे हो, जो भी आर्गुमेंट दे रहे हो, उसमें जो भी आपने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट को वैलिडेट किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, समझा जाएगा और परखा जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। डिबेट्स ऐसे ही होती है, कुछ भी आकर नहीं कह सकते आप यहाँ। लेकिन रैशनली प्रूव करने वाली जो चीज है ना ये काफी टाइम आप कुछ भी प्रूफ, क्योंकि आपने खुद ही कह दिया कि कुछ भी रैशनली प्रूफ नहीं किया जा सकता, तो और आप भी कुछ प्रूफ नहीं कर सकते, आप भी कुछ भी रैशनली प्रूफ नहीं कर सकते, अब बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। सही बात है, बिल्कुल चले।